ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले। लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी बहुजन समाज पार्टी ने भदोही जिले में नया जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। जिलाध्यक्ष जयप्रकाश गौतम को हटाकर उनके जगह राजेश गौतम को पार्टी सुप्रीमो मायावती के निर्देश पर जिलाध्यक्ष बनाया गया है। पिछले एक वर्ष के दौरान पार्टी ने 3 जिलाध्यक्ष बदले हैं। इसे लेकर जिले की राजनीति गलियारों में यह चर्चा शुरू हो गई है कि आखिर पार्टी के अंदर ऐसा क्या चल रहा है जिसके कारण यहां बार बार जिलाध्यक्ष बदले जा रहे हैं। सपा बसपा गठबंधन के बाद भदोही की लोकसभा सीट बसपा के खाते में जाने के कयास लगाए जा रहे हैं। इसी बीच मायावती ने भदोही में नया जिलाध्यक्ष नियुक्त कर यह बता दिया है कि वो इस सीट को लेकर कितनी गंभीर हैं। नवयुक्त जिलाध्यक्ष राजेश गौतम जिला कार्यकारिणी के सदस्य थे और उन्हें सदस्य से सीधा जिलाध्यक्ष बनाया गया। उन्होंने राजनीति शास्त्र में MA और BEd किया है। जिलाध्यक्ष नियुक्त करने के बाद पार्टी कार्यकर्ताओं और नेताओं ने उनका स्वागत किया और यह देखने वाली बात होगी कि पार्टी में यह बदलाव बसपा के लिए आगामी चुनाव में कितना फायदा पहुंचाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, ग्लोबल न्यूज नेटवर्क। ग्लोबल न्यूज नेटवर्क को सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन दबाएं ताकि हमारी वीडियो आप तक पहुंचे सबसे पहले।